नमस्ते जी, क्या हाल चाल आप सभी के। पहली बात ये कि भाई चश्मा लगाने से कुछ तो पर्सनालिटी में तो फर्क आता है ना, मजा तो आता है, ये बात तो है, बट वही है कि लगाने वाले पे भी डिपेंड करता है। आपको कैसा लग रहा है ये चश्मा? मुझे तो बड़ा अभी थोड़ा कंफर्टेबल लगने लगा। स्टार्टिंग में बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा था कि यार ये चश्मा कैसा लग रहा है, तो शायद आई एम नॉट श्योर, बट शायद मैं इसको थोड़े लंबे समय तक पहनने वाला हूँ। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि चश्मा कैसा लग रहा है। दूसरी बात, आप सभी का स्वागत है एक और नए धमाकेदार दिन में। आज मम्मी गई थी सब्जी लेने और सब्जी लेके आ चुकी है। तो अभी मैं अपना सेटअप कर रहा था कैमरे का, तो मैंने कहा कि कैमरा से एक बार व्लॉगिंग करके देखते हैं। फ़ोन से व्लॉगिंग कर रहे हैं पर वो मज़ा नहीं आ रहा, मतलब एक क्वालिटी अपग्रेड होनी चाहिए ना, वो वाली बात नहीं आ रही है। तो मैंने कहा कि मम्मी कह रही फिर कैमरा से ही करना है, तो ये एक गोरिल्ला बोर्ड लगा रखा है, मैं दिखाता हूँ अभी कैसे। ये देखो, ये मैंने गोरिल्ला बोर्ड लगा रखा है अभी। तो मम्मी कह रही ये डंडा क्यों लगाया है? तो मैंने बोला कि इससे अच्छा आता है। तो कह रही इससे अच्छा आता है तो वाइपर वाला डंडा ही लगा लेना। ये ले आई, ठीक है। क्या बोलते हैं तू बता? आप बताओ। केला पहले की तो खराब हो रही, वो तो खाई नहीं, और केला भी ले आए एक दर्जन। और कहाँ खराब हो रही? ये देखो फ्रिज के ऊपर रखी है, अभी दिखाता हूँ। देखो ये देखो, दो है तो इनका शेक बना लिया सवेरे। सवेरे तो शेक बना ही लूंगा, बस आ जाए सब कुछ। ये तेरे लिए से। अच्छा, ये यार इसके लिए आलू के, उसके गोभी के परांठे खाओगा। सवेरे नु कहा था गोभी के परांठे। और अपने लिए? मेरे लिए कुछ नहीं है, आम भी लिया ही। हरीश बहुत खास है, मीठी सब्जी। तो इतनी देर से मैं ट्राई कर रहा था पर फोकस ही नहीं हो रहा, तो मैंने कहा चलो चश्मा पहन लेते हैं, उससे बिल्कुल सटीक फोकस आएगा। फ्रिज में रख के? फ्रिज में ही करने पड़ेंगे, पर इसको उबाल उबाल के मुझे देते रहना। कई बार लाते हो फ्रिज में, पीछे कोने में पड़े रहते हैं ये स्प्राउट्स और ये क्या नाम है कॉर्न्स, तो मुझे मिलते ही नहीं है और फिर वो खराब हो जाते हैं। तेरी बहू तो बता दी एक बार, क्या आके ये उबाल कर दे दे। आप नहीं उबाल सकते, फिर तेरे पीछा पड़ जाएगी। बहू और माँ दोनों ही एक जैसी हैं, एक चीज बता दी पीछे पड़ जाएगी। मैं सीरियसली सोच रही हूँ कि मैं व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन मेरे को ये हो रहा है कि जो मतलब उसमें ना यहाँ के लोग, जो इधर उधर के लोग हैं, इधर उधर मतलब दिल्ली हरियाणा इधर, वो तो समझ ही नहीं पाएंगे। जब तू भोजपुरी में वो करेगी, वही है दोनों सेम। चल अवधि, जब तू अवधि में वीडियो बनाएगी तो तेरे अवधि यूपी वाले ही लोग जुड़ जाएंगे, है ना? फिर तेरा इवेंट होगा यूपी में सुल्तानपुर में, फिर इवेंट में यही लोग आएंगे। अरे किसी ने कमेंट में पूछा था, हाँ मैंने कमेंट पढ़ा था वो, कि भाभी सुल्तानपुर से है क्या? नहीं, ये वो से है, कौन सा था ये सूर्यवंशम में कौन सा गढ़ है? जूनागढ़ से हूँ मैं, जूनागढ़ से। हाँ, जूनागढ़ से है। मेरे को ये बताओ मैं अपने चैनल का नाम क्या रखूँ? मैंने वैसे सोचा हुआ है, इसको म्यूट कर देना, कोई चुरागिर बना देगा। सारिका सिंह सुल्तानपुरिया। ओ भाई साहब, ये तो कतई सैनी भाई के, सैनी भाई से इंस्पायर है। सुल्तानपुरिया बना दो मेरा एक चैनल। क्या पहले एक काम कर, आज अपनी भाषा में एक ब्लॉग बना के लेके आ। पहले चैनल बनाओ। चैनल पहले नहीं बनेगा, पहले कोई बना देगा उसपे। क्या बना देगा? सुन लिया होगा तो। क्या? नहीं नहीं, मेरे नाम से बना दो ना, सारिका सिंह सुल्तानपुरिया, वो तो बन जाएगा। आज ही वो क्रिएट कर दो ना, डलेगी तो डलेगी, नहीं तो चेंज कर देंगे नाम। नहीं हाँ? ऐसा नहीं होता, अच्छा लगेगा। पहले 10 व्लॉग बना के रेडी रखूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी ऑडियंस ऐसे ही फालतू में सब्सक्राइब। क्या नाम चोरी नहीं होगा? क्रिएट कर दो ना तुम। अरे अपने लोग हैं, नहीं चोरी करेंगे। नहीं ना, ऐसा तो तूने गजब नाम नहीं रखा है। अरे मैं कल चोरी हो जाएगा एप्पल कंपनी का। कल से मैं सोच रही हूँ क्या यही नाम रखने का। क्या सुल्तानपुरिया? निक्का जजरिया। तुम मजाक समझ रहे हो क्या? आप सुल्तानपुरिया तो फिर मैं जजरिया हूँ। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि सारिका को नया चैनल शुरू करना चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं, और ना ही लिखिए, मतलब हाँ लिखिएगा सारिका सिंह क्या है सुल्तानपुरिया, सारिका सिंह सुल्तानपुरिया, सारिका सुल्तानपुरिया SS। इसने पता क्या किया, मेरा व्हाट्सएप पे नाम चेंज कर दिया, मुझे पता ही नहीं है। मैंने लोकेशन भेजी, मैंने कहा देखो जरा मैं कहाँ पहुंची हूँ,
मैंने देखा सारिका राठौर, मैंने कहा ये कौन है? मैंने नहीं किया वो, माँ कसम मैंने नहीं किया। अरे मैंने नहीं किया भाई, 50 बार बोल दिया मैंने नहीं किया। शादी के बाद अपने आप चेंज हो जाता है वो, और क्या। अच्छा वो मंत्रों से होता है, ऑटोमेटिक है वो। आपका सपना था ना, भगवान ने पूरा कर दिया, बस फिर सपना पूरा हो गया। अब तूने सपना था तेरा है ना, अब सारिका राठौर सुल्तानपुर गया। जी नहीं, ये तेरा सपना था सारिका राठौर सुल्तानपुर, अच्छा लगेगा। सारिका सिंह राठौर का रखा है ना उस पे? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, सारिका राठौर सुल्तानपुर। अरे नहीं अच्छा लग रहा, सारिका देवी सुल्तानपुर। बहुत अच्छा लग रहा है पर मैं नहीं। क्या मैं देवी नहीं हूँ? देवी लगाते हमारे यहाँ लड़के। हाँ तुम्हारे यहाँ लगाते, मेरा नाम देवी नहीं है ना। अगर आपको चैनल शुरू करना है तो सारिका जी को कमेंट में बताइए कि चैनल शुरू करें कि नहीं। मुंह ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है। फिर करें। हमारे बच्चों को सर्कस ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ क्या बोल रही थी? मैं ये बोल रही थी चाय बहुत टेस्टी है। हाँ अभी बोल रही थी चाय, पहले की लाइन क्या थी वो बताओ। हाँ चाय बनी हुई थी और इसने बोला चाय बहुत बेकार थी। मैंने क्या बोला? बेकार नहीं बोला, बोला बिना बिखेरे चाय नहीं बनती तुमसे। हाँ फिर मैंने बोला मैं चाय तो मैंने बनाई ही नहीं। फिर किसने बनाई है? चाय तो मम्मी ने बनाई थी। और फिर इसने क्या बोला? मैंने कहा चाय बहुत टेस्टी है। पी नहीं तो टेस्टी कहाँ से पता चली? बिना बिखेरे तुमसे चाय बनाई नहीं जाती। देखो हरीश को कोई बाद में ब्लॉग में सुन रहा है तो सुन ले। सल्तनत के आगे किसी की जुबान खुली है? सल्तनत आला कमान के सामने किसी की आवाज निकलती है? नहीं वो तो ठीक है, पर इसका तो मतलब आला कमान गलत कर रहे हैं। हमको नहीं पता था आला कमान का गलत आला, 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 आला कमान गलत करे तो गलत होता है कि नहीं? गाइज मैं नहाने जा रहा हूँ और मैं सच में नहा के ही आऊंगा। कौन सी? ऊपर जो रखी हुई है। हाँ तो धुल के आइए ना अभी। तो मेरे पहनने का इसके तेरी अलग है, इसके अलग है। व्हाइट वाली पहनने जो तुमने लाया था, मैं तेरी पहनती हूं। रॉकस्टार नहीं, मैं अपनी यही वाली पहनूंगा। हाँ क्या ऐसे ऐसे घूम रहे उस कैमरे को लेके? ऐसे नहीं होता है। बाय गाइज ना क्या, अगर मैं 5 मिनट में बाथरूम से बाहर ना निकलूं तो बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया जाए। क्या साबुन लगाएगा नहीं, पानी डाल के आ रहा है? नहीं साबुन भी लगा, नहाएगा भी नहीं, जाके हाथ पैर धोलेगा, कपड़े बदल लेगा। जल्दी ना जल्दी ना। गाइज मैं नहाने जा रहा था और मेरे को लड़ाइयां देखने में बड़ा मजा आता है। चलो क्या है करो। अरे मैं इसकी एक्सरसाइज कर रहा हूं। चल दम लगा पूरा पूरा पूरा। सुल्तानपुरिया वर्सेस जजरिया हो जाए आज मैच 1-1। ए हमारे साथ खेलनी है। शरीर देखा था आज गया, हल्क जैसा शरीर है। तो तुम तो सुल्तानपुरिया हो ना, तो फिजिकली तो हम तो कमजोर है ना। फिजिकली काहे कमजोर हो? कमजोर फिजिकली नहीं होता, कमजोर मेंटली होता है इंसान। हाँ तो तुम अच्छा सोच कमजोर होती है। अब तुम सुल्तानपुरिया करिए, पूरा सुल्तानपुर बदनाम हो रहा है तुम्हारी वजह से। हमारी भाषा उनसे मिलती है, मतलब भोजपुरी और इन सब चीजों से, क्योंकि टच थोड़ा बहुत। भाई बहन ही हो गए। हाँ जो भी है हम सब भाई बहन है, ठीक है हम सब भाई बहन है। वाह सुल्तानपुरिया वाह, कौन वाह रे सुल्तानपुरिया वाह, वाह सुल्तानपुरिया वाह, क्या वाह टोली है। आगे आगे आगे। हम सब भाई बहन का मतलब कि जो सारे स्टेट्स है वो सब भाई बहन है, ये मतलब था मेरा। तो इसलिए हमारे यहाँ गाने तो बनते नहीं है, तो जो बिहार में गाने बनते हैं हम वही सुनते हैं। एक वो था सानिया मिर्जा की नथुनिया आँख मारे ली, यही लाइन है। समझ में आया? जो सानिया मिर्जा आई आई थी ना, तो वो नथ पहनती थी, तो गाना बना दिया था उसपे भोजपुरी में, सानिया मिर्जा की नथुनिया आँख मारे ली। नथनिया आँख मारे ली। देख रहे हो आप, देख रहे हो कितना क्रिएटिव माइंड है, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ पर। खोलो इसके सानिया मिर्जा। अरे ठीक है ना सानिया मिर्जा, तो देखने तो मुझे आ रही है। अरे कोई बात नहीं,
सानिया मिर्जा की जो नथनिया वो भी आंख मारती है। कि सानिया मिर्जा की नथनिया देख के हम आंख मारते हैं। आपने वो वाला गाना सुना? आप लोगों को क्या लगता है क्या लिरिक्स होंगे कमेंट में बताओ। बता देंगे। सुल्तानपुरिया में नहीं आती गाने जब ये सुल्तानपुरिया सुल्तानपुरिया पटना में पड़ता है क्या? सच बताओ भाभी जी, आज तो सच बता ही दो। कहाँ है? वही मैं देख रहा था, कहाँ है कमर? कमर या पेट पचका लो, कमर बन जाती है। मैंने शादी की फोटो में यही किया है, वीडियो में भी। मैंने कहा रुक जा भैया, सांस अंदर लेने दो। सो ये भोजपुरी है या सुल्तानपुरिया हम नहीं जानते, पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमें अवधि के नाम पर भोजपुरी सुनाई जा रही है। ये सारिका ने बनाया डाइट के लिए, पूरे दिन सही रहता है, पेट का पेट भर जाता है, डाइट की डाइट हो जाती है और चटकारे के चटकारे हो जाते हैं। क्यों सारिका जी? चटकारे नहीं है, नींबू है। नींबू मैंने डाला नहीं है अभी। नींबू डाल ले, नींबू बाद में डालूंगी, वरना पानी छोड़ देगा वो। इसमें मैं ये बोल रही थी चटकारे का है ना, नमक है इसमें ना, चाट मसाला है, पर तब भी अच्छा तो लगता है ना खाने में, है कि नहीं? ये मिर्च नहीं खाता ना, ना नमक का इसे पता रहता, तो इसे सब टेस्टी लगता है। ऐसा वैसे पता ही सबको मिलना चाहिए, जिसको टेस्ट का पता ही नहीं हो कुछ भी बना के दे दो, सब अच्छा लगता है इन्हें। चल क्या पहनूं? जो धुला है वो पहन लो। मैं जींस पहन ले फटाफट, जल्दी जल्दी तैयार हो जा। ढूंढ रही हूँ ना, लेट हो रही है, आधा घंटा बचा इसको निकलने में, रोज यही करती है। इसकी कंपनी से लोगों को फायर कर रहे हैं, अब इसको ही फायर करेंगे। देख मैं होता तो फायर कर चुका होता, अब तक मैं होता फायर कर चुका होता। ये इंसान सुबह शाम तक एक काम तो बहुत अच्छे से करता है हमारे भाई साहब, चीजें बिखेरने का। ओ भाई साहब वो तो पूछ ही मत भाई, कतई शिद्दत से करते हैं ना ये काम। बहुत ज्यादा ये वाली जींस पहन लेती क्या कहते? एक मैं नन्ना बालक, ठीक है, और नन्ना बालक नन्ना ही हूँ अभी, मेरी उम्र ही क्या है। जाऊंगा ना, तू नहाएगी तो मैं नहा के जाऊँ ना, हमेशा मुझे लेट करवा देती है। काम करूं कि नहीं, अपना बिजनेस रहता ना उनका, सही है भाई। कभी भी उठ के चले जाओ तो कर ले अपना बिजनेस, मैं खुलवा देता हूं तेरा बिजनेस। मन करे छुट्टी कर लो, तू कर ले, तुझे खुलवा देता हूं अपना बिजनेस। क्यों भाई, क्या बोलते हो? बिजनेस बताओ आप। सुल्तानपुरिया, मैं बिजनेस सुल्तानपुरिया कट्टो का बिजनेस करेगी। इल्लीगल बातें कर रहे हो तुम मुझसे। मैं तो चीनी के कट्टो की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे यहाँ होता है ना गन्ने की खेती, चावल भी होते होंगे? चावल बहुत होते हैं हमारे यहाँ। कोई एक बजे जाने वाला है। दीदी भी सुन सुन के परेशान हो गए, रोज एक बजे जाना है, एक बजे जाना है। दीदी भी 10 मिनट लेट, ये भी 10 मिनट लेट, कोई काम पे नहीं पहुंच रहा है। बताओ कैसे चलेगा? ऐसा कैसे चलेगा दीदी? दीदी और ज्यादा काम मिलेगा, टेंशन क्यों ले रही हो? फेमस हो जाओगे आप। वही वाली दीदी को लेके आओ जो हस्ती रहती है। उतार दी क्या? नहीं, गोल्ड रिंग्स, आए ऐसे वैसे नहीं काम करते। गोल्ड रिंग्स के साथ चक 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 सब साफ हो जाता है। गोल्डन दीदी, ठीक है, इनका नाम रख दो गोल्डन दीदी। आपके लिए भी बता रहा हूँ, जो भी आदमी देख रहा है वीडियो, अगर आपको ज्यादा भूख लगती हो तो अगर आप कॉफी पी लेते हैं, आप ब्लैक कॉफी, नॉर्मल कॉफी नहीं। मेरे बाल सही आ रहे हैं ना? कोई सेंस है इस बात की? दीदी आपको भी डाइटिंग करनी है गोल्डन दीदी। तो आप भी ब्लैक कॉफी, मतलब सिर्फ ये कॉफी डालना है, इसमें गरम पानी डालना है, बस पी लेना। चश्मा तो मैं पहनूंगा, चश्मा लगा कॉफी बनाऊं मैं। तो क्या हो गया? चल रहा हूं, मेरी एक फ्रेंड है, हाँ विनीता, वो मेरी दीवानी है। नहीं, ऐसा नहीं। मेरे को ऐसी इमेजिनेशन आती है कि जो आपका पति होगा वो चश्मेबाज होगा, वो चश्मा लगा, आपके दो बच्चे होंगे, वो चश्मा लगा के आएगा ऑफिस से और आपके लिए पानी लाएगा। मैंने कहा ऑफिस से आके वो मेरे लिए पानी लाएगा, हाउ स्वीट ऑफ हिम। मुझे पता ही नहीं था, शादी के बाद पता चला कि इसको चश्मा लगता है, धोखा हुआ है मेरे साथ। वो कुत्ता कैसे बोलता है मैडम? कुत्ते ने रोहित से क्या कहा मैडम? रोहित जी, कुत्ते ने कहा जल्दी पी ले नहीं तो तुझे डेंगे। सारिका जी आप लेट हो गई हैं अब। हमारे ऑफिस वाले ऐसे नहीं है,
सो काफी टाइम से हम सोच रहे हैं कि हम अपना व्लॉगिंग जो शिफ्ट है वो कैमरा से फोन से अभी हम कर रहे हैं काफी टाइम से, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ये सोचा था कि यार मुझे 100 व्लॉग पूरे करने हैं, फिर वो चाहे फोन से हो कैमरा से हो एटलीस्ट मुझे हैबिट पड़े व्लॉगिंग करने की। तो मैंने उस टाइम पे ये नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग हमें देखेंगे, अब करीबन 10,000 लोग मतलब पर डे हमें देख रहे हैं हर एक वीडियो में। तो मैंने सोचा नहीं था कि यार मतलब ऐसे लोग देखेंगे उन्हें पसंद आएगा, तो पसंद आ रहा है सबसे अच्छी बात ये। सेकंड थिंग, मुझे क्वालिटी अपग्रेड करना चाह रहा हूँ मैं, बट मुझे लेंस अभी समझ में नहीं आ रहा है। आई एम कंफ्यूज बिटवीन लेंस की व्लॉगिंग के लिए कौन सा लेंस सही रहेगा, या फिर मैं अपने आईफोन से ही लगे रहूँ। आप बताइए, अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। चलिए, अभी अमेजोन पर मैं देख रहा था, ये है 18-10-18, ये भी अच्छा लेंस है पर ये आउट ऑफ स्टॉक है। ये मिल रहा है बट ये थोड़ा सा महंगा है। और एक मैंने देखा था भाई साहब कतई सस्ता लेंस, कहाँ गया कहाँ गया, ये 9,560 रुपये का लेंस है ये, और f/2.8 के साथ। तो व्लॉगिंग के लिए मुझे ये लेंस इसलिए भी अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का है ये, बहुत हल्का। ये लेंस का प्राइस है 1.5 लाख रुपये, अभी भी 1.5 लाख रुपये है। ये इसका निकल गया, यहाँ एक रबर होता है, वो रबर को हमने इतना यूज़ किया, अभी ये निकल गया 1.5 लाख रुपये इस लेंस का प्राइस है। ये वाला लिया था, ये वाला अच्छा है, पर इसके साथ दिक्कत ये है, इस लेंस के साथ दिक्कत ये है कि ये 24mm है। जैसे जो अभी आप वीडियो देख रहे हो मेरी, वो 16mm पे है शायद, सोनी का जो वाइड है 16 या 14 होगा, तो ये वाइड है पर उसका 24 है। तो वो कैसा आता है उसमें, ये तो ये उसका आता है, इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा जूम आता है। तो और वो उस लेंस का वेट भी बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से एक लेंस का वेट ही 500-600 ग्राम है, तो 600 ग्राम के करीबन होगा, तो इतना भारी वो है तो नहीं हो पाता उससे। सो इतना ही था ये व्लॉग, होप सो कि आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक किया करो यार, लाइक करने में पैसा थोड़ी लगता है, हाँ सिर्फ थोड़ा सा थोड़ा एनर्जी लगती है, तो लाइक करो ठीक है, आगे बढ़ो हमें भी बढ़ने दो। जस्ट किडिंग। सो लाइक ज़रूर करिएगा अगर व्लॉग पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में हमें और देखना चाहते हैं यूट्यूब पे। और इस व्लॉग में सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा प्लीज़ व्लॉग में बताइए, और सबसे अच्छा करेक्टर कौन सा लगता है आपको वो ही बताइए। ऐसे 2-4 का नाम नहीं लेना, एक का नाम ही लेना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कल मिलते हैं रात 8 बजे। टाटा बाय बाय, बिग चुम्बक।